हेलो गाइस, दिस इज आदित्य फ्रॉम पीसी किंग्स और आज के इस वीडियो में हम लोग रिव्यू करने जा रहे हैं इस एसर नाइट्रो 5 लैपटॉप का और साथ में मैं ये भी बताऊंगा कि किन लोगों को ये लैपटॉप लेना चाहिए। पिछले एक साल से मैंने इसे यूज किया है और जो पिछले एक साल में मेरा एक्सपीरियंस रहा है इस लैपटॉप के साथ मैं आपके साथ शेयर करूंगा और जानेंगे कि क्यों ये ऑलराउंड लैपटॉप हो सकता है अंडर 55 के आपके लिए। करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग, देखेंगे इसके स्पेसिफिकेशन, थर्मल्स एंड बिल्ड क्वालिटी और फीचर्स भी, और एडिटिंग और गेमिंग बेंचमार्क्स भी देख लेंगे और जानेंगे कि क्यों ये ऑलराउंड लैपटॉप हो सकता है आपके लिए। अगर आप कॉलेज के लिए भी ले रहे हो, प्रोफेशनल वर्क के लिए ले रहे हो, एडिटिंग के लिए ले रहे हो, वर्क फ्रॉम होम के लिए ले रहे हो, गेमिंग के लिए ले रहे हो, तो आपको कैसा ये परफॉर्मेंस अभी भी आज के डेट में भी डिलीवर कर सकता है, तो वेल अगर आप भी इसी बात में इंटरेस्टेड है तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। नाउ लेट्स रोल द इंट्रो। बात करें इस लैपटॉप की, तो इस लैपटॉप को मैंने परचेज किया था अपने रिलेटिव के लिए पिछले साल 2021 में और अभी तक एकदम मक्खन चल रहा है ये लैपटॉप क्योंकि इसमें SSD भी आती है। तो सबसे पहले इसकी छोटी सी अनबॉक्सिंग देख लेते हैं क्योंकि अनबॉक्सिंग देखने में ही असली जलवे है कि नहीं। अब आगे बढ़ने से पहले एक एक्सक्लूसिव खबर आपके लिए लाया हूं कि शैडो ऑफ द टॉम्ब रेडर एपिक गेम्स पे फ्री हो चुका है फॉर ओनली नेक्स्ट 2 डेज 8 सितंबर, रात के 8:30 बजे तक क्लेम कर लेना नहीं तो चला जाएगा। नाउ लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। तो मैंने ये लैपटॉप मंगाया था फ्लिपकार्ट से और बहुत अच्छे से पैकेजिंग करके दिया इस तरीके के बॉक्स में, जैसा कि आप देख सकते हैं। बॉक्स के अंदर सबसे पहले आपको देखने को मिल जाता है इंटरनेशनल ट्रेवल्स वारंटी, मतलब गजब भाई, कौन लैपटॉप को विदेश लेकर जाएगा। साथ में स्टिकर्स भी मिल जाते हैं कीबोर्ड पे भी लगाने के लिए, एक यूजर मैनुअल मिल जाती है एज यूजुअल ज्ञान की बातें बताने के लिए, साथ में पावर ब्रिक का केबल मिल जाता है जो थैंकफुली इंडियन स्टैंडर्ड का है, इसका सॉकेट प्लग और साथ में 135 वॉट का चार्जिंग अडैप्टर मिल जाता है और बॉक्स के अंदर हमें फोम में लिपटा हुआ अपना लैपटॉप मिल जाता है। लैपटॉप निकालते ही गेमिंग लुक की वाइब्स आने लगती हैं। अब इस लैपटॉप का वेट है 2.3 kg, जिससे आप एक ही हाथ से इसके हिंज को खोल सकते हो और स्क्रीन ओपन कर सकते हो और फुल साइज कीबोर्ड आता है इसमें और कीबोर्ड का ट्रेवल डिस्टेंस भी ठीक ठाक है प्राइस के हिसाब से और कीबोर्ड दबाते टाइम जो फ्लेक्स होता है वो उतना ज्यादा नहीं है, थोड़ा है लेकिन ज्यादा नहीं है, एक्सेप्टेबल है प्राइस को कंसिडर करते हुए। जब लैपटॉप बंद रहता है तो भी बहुत ही कम फ्लेक्स आता है इसमें ऊपर से, ऑल्दो प्लास्टिक बिल्ड है फिर भी बहुत ही सॉलिड लगता है पकड़ने में, लगता है कि हाँ भाई कुछ सॉलिड चीज पकड़ रखी है। बात करें पोर्ट्स और वेंट्स की, पीछे की तरफ आपको दोनों साइड लेफ्ट और राइट वेंट्स मिल जाते हैं एयर को डिसिपेट करने के लिए और चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, नीचे की तरफ वेंट्स मिल जाते हैं एयर को डिसिपेट करने के लिए क्योंकि इसमें दो फैंस आते हैं, एक CPU को कूल रखता है और एक GPU को, और चार जगह पे एंटी स्किड रबर आता है ताकि फिसले ना जब आप लैपटॉप यूज करें। नीचे की तरफ भी प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी है फिर भी ठीक ठाक है, एवरेज क्वालिटी। राइट साइड में वेंट्स आपको देखने को मिल जाते हैं एयर डिसिपेट करने के लिए, एक HDMI पोर्ट, USB 3.0 का पोर्ट और एक USB Type-C का पोर्ट। राइट साइड की तरफ आपको लॉक मिल जाता है, फिर से एयर वेंट्स मिल जाते हैं, RJ45 ईथरनेट पोर्ट मिल जाता है, दो USB Type-A 3.0 के पोर्ट्स मिल जाते हैं और कंबाइंड हेडफोन माइक्रोफोन जैक मिल जाता है। हिंज की क्वालिटी इज गुड और सबसे खतरनाक बात बताऊं इस लैपटॉप के बारे में तो आपको एकदम बजट में RGB कीबोर्ड मिल जाता है। वाह भाई, गेमिंग वालों के तो बल्ले बल्ले हो गए क्योंकि RGB इक्वल्स 100+ FPS है कि नहीं। अच्छा, हमको सिखा दिया है। बात करें इसके स्क्रीन की तो 15.6 इंच की LED बैकलिट LCD स्क्रीन आती है जिसका रिजोल्यूशन 1080p है और 60Hz की स्क्रीन है, सो नो हाई रिफ्रेश रेट, लेकिन अगेन 1650 में आप कितने FPS अचीव कर लोगे AAA गेम में। मे बी अगर आप कॉम्पिटिटिव गेम्स खेलते होगे जैसे CSGO या Valorant तब शायद आपके लिए हाई रिफ्रेश रेट मैटर करता होगा, लेकिन AAA गेम्स में तो 60 FPS भी इनफ है। स्क्रीन एंटी ग्लेयर भी है और साथ में IPS टेक्नोलॉजी के साथ आ जाता है तो कलर्स जो प्रोड्यूस होते हैं ना वो ठीक ठाक होते हैं, सैचुरेटेड होते हैं। शुरुआत में अगर आप वीडियो एडिटिंग में थोड़ा बहुत कलर करेक्शन करना चाहते हो
तो इस स्क्रीन पे आप कर सकते हो। बात करें स्क्रीन ब्राइटनेस की तो मुझे उतना कुछ खास नहीं लगा, मुझे लगता है 200 या 250 निट्स का ही ब्राइटनेस होगा। वैसे मैं स्पेसिफिकेशन देख रहा था, वहाँ पे कहीं भी ब्राइटनेस के बारे में नहीं बताया गया है, लेकिन फिर भी 200 250 निट्स से ज़्यादा इसका ब्राइटनेस नहीं होगा मेरे हिसाब से। अगर आप इसको डायरेक्ट सनलाइट में या फिर एकदम ब्राइट जगह पे यूज़ करते हो तो थोड़ा आपको प्रॉब्लम आ सकती है। बात करें ट्रैक पैड की तो ट्रैक पैड अच्छे साइज का है, लेकिन थोड़ा लेफ्ट साइड में शिफ्ट किया हुआ है, तो थोड़ी बहुत लोगों को प्रॉब्लम आ सकती है जो राइट साइड से ट्रैक पैड यूज करते हैं। 3 सेल लिथियम आयन बैटरी आ जाती है जो कि 57.3 वॉट आवर की है, ना बड़ी है ना छोटी है, लैपटॉप के हिसाब से मीडियम साइज की बैटरी है। अब एसर तो क्लेम करता है कि 11 घंटे की बैटरी चलेगी आपकी, लेकिन जनरली अगर आप नॉर्मल काम कर रहे हो, वेब ब्राउजिंग, यूट्यूब ये सब चला रहे हो, तो 6 से 7 घंटे की बैटरी मिलेगी। अगर आप एकदम हैवी काम करने बैठ जाते हो जैसे वीडियो एडिटिंग, तो 3 से 4 घंटा, और हैवी ट्रिपल ए गेम चलाते हो अगर आप, तो 1 से 1.5 घंटा ही बैटरी मिलेगी आपको। तो ट्रिपल ए गेम चला रहे हो तो चार्जर लगा कर ही गेमिंग करना, नहीं तो वो बैटरी कंजर्व करने के लिए FPS को 30 पे लॉक कर देता है। अब 720p का वेबकैम भी मिल जाता है और डुअल माइक भी मिल जाते हैं, तो उसका डेमो देख लेते हैं। सो ये है सैंपल वीडियो फ्रॉम द वेब कैमरा ऑफ दिस लैपटॉप जो कि 720p HD कैमरा है, और फैन भी चल रहा है तो आपको पता चलेगा नॉइज कैंसिलेशन कैसी है, के माइक्स में डुअल माइक्स आती है सामने में। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए ओके है कैमरा। अब आपको इसमें एक नाइट्रो सेंस करके सॉफ्टवेयर भी मिल जाता है जिससे आप कीबोर्ड की RGB को कंट्रोल भी कर सकते हो, अलग अलग इफेक्ट्स लगा सकते हो जैसा कि मैं दिखा रहा हूँ, नियॉन, ब्रीदिंग वेव, ये सब इफेक्ट लगा सकते हो, या फिर एक कलर भी सेट कर सकते हो, और साथ में अपने GPU और CPU के फैंस को भी कंट्रोल कर सकते हो, उनके RPM को, उनका टेम्परेचर चेक कर सकते हो, मैन्युअली फैंस के स्पीड को एडजस्ट कर सकते हो। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, इस सॉफ्टवेयर का सपोर्ट दिया है एसर ने इतने बजट लैपटॉप में, और RGB के तो यार क्या कहने, दिल गार्डन गार्डन हो जाता है देखकर। बात करें इसके स्पेसिफिकेशन की तो ये आता है इक्विप्ड विद Ryzen 5 4600H प्रोसेसर जो कि 6-core 12-thread का प्रोसेसर है। अब मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोग बोलोगे कि Ryzen 5 5600H क्यों नहीं लिया, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ मैंने ये पिछले साल लिया था। अभी आप करेंटली देखोगे तो लेटेस्ट Ryzen 5 5600H चल रहा है Ryzen के लाइनअप में। बात करें Ryzen 5 4600H की तो 7 नैनोमीटर के फैब्रिकेशन पे ये बना हुआ है। बेस क्लॉक है इसकी 3 GHz और मैक्स बूस्ट क्लॉक है 4 GHz। मैक्सिमम TDP है 35 वॉट्स की और 11 MB कैश मिल जाती है आपको इस प्रोसेसर में, और इसके साथ ग्राफिक्स कार्ड जो है वो है GTX 1650G DDR6 4GB VRAM के साथ, साथ में 8GB की 2666 MHz वाली RAM आती है जिसको आप अपग्रेड भी कर सकते हो क्योंकि इसमें 2 slots आते हैं। यू कैन अपग्रेड आइडर अप टू 16GB और 32GB, लेकिन 32GB के केस में आपको 2 additional 16 GB की स्टिक्स खरीदनी पड़ेगी अलग से। अब अगर आपके पास पहले से ऐसा कोई लैपटॉप है जिसमें आपको RAM अपग्रेड करना है तो मैंने एक वीडियो बनाया है, यहाँ पे आई कार्ड में दिख रहा होगा और थंबनेल भी आ रहा होगा कि RAM को कैसे अपग्रेड करें, रैम स्टिक कैसे लगाएं अपने लैपटॉप में, तो उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। और एक बात जो सबसे अच्छी लगी थी मुझे इस लैपटॉप में कि इसमें हार्ड डिस्क भी आता है और SSD भी आता है, दोनों का कॉम्बिनेशन आता है 55,000 के अंदर। सोचो 256GB की M.2 NVMe Gen 3 SSD आ जाती है जिसके रीड राइट स्पीड अप टू 2 GBPS है, 2000 MBPS तक की रीड एंड राइट स्पीड होती है इसमें, और साथ में 1 TB की 5400 RPM वाली हार्ड डिस्क भी आ जाती है, तो टोटल 1.25 टीबी आपकी स्टोरेज होगी। साथ में विंडोज 10 होम इसमें पहले से इंस्टॉल आता है जो कि SSD में इंस्टॉल है, 10 सेकंड में 15 सेकंड में आपका लैपटॉप बूट हो जाता है, और SSD के वजह से स्नैपीनेस बनी रहती है, एप्लीकेशन जल्दी से लोड होते हैं और गेम्स भी। और साथ में एक और SSD का स्लॉट इसमें खाली मिलता है आपको, उसमें भी आप NVMe SSD एक और लगा सकते हो अप टू 2 TB, वो भी Gen 3, और साथ में RAM के लिए भी 2 slots आते हैं, मैंने पहले ही बताया, और साथ में जो बैटरी है उसको भी आप एक्सटेंड कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको हार्ड डिस्क वहां से निकालनी पड़ेगी और नया बैटरी लाके लगाना पड़ेगा अगर आपको ज्यादा बैटरी बैकअप चाहिए, अगर हार्ड डिस्क आपके लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है तो। और साथ में इसमें कनेक्टिविटी Wi-Fi 6 भी आ जाता है, ब्लूटूथ 5.0 भी आ जाता है, तो ये बहुत अच्छी बात है, बजट में मिल गया। बात करें इसके स्पीकर की तो ठीक ठाक लगा मुझे, उतना कुछ खास नहीं है, वैसे भी इतने बजट लैपटॉप में
अच्छे स्पीकर्स कहाँ मिलते हैं, लेकिन फिर भी आपका काम चल जाएगा। जैसे फ़ोन में स्पीकर्स आते हैं ना नॉर्मल बजट फ़ोन में 10-15 हज़ार के, वैसे ही है दो स्पीकर 2 वॉट के एवरेज क्वालिटी। बात करें वीडियो एडिटिंग की, तो आप 1080p पे आसानी से वीडियो एडिटिंग कर लोगे, ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप 2-3-4 1080p के वीडियोस साइड बाय साइड ऊपर नीचे लेयर्स में यूज कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आप चले जाते हो इस पे 4K पे एडिट करने, क्या चाहते हो, बच्चे की जान लेना चाहते हो, चाहते हैं क्या मुझे बता दो, तब वाट लग जाएगी। क्योंकि प्रोसेसर तो इसका अच्छा तगड़ा है 6 कोर 12 थ्रेड्स का, लेकिन GPU है GTX 1650, वो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम करेगा, लैग आएगा 4K पे। तो 4K पे आप उतने अच्छे से एडिट नहीं कर सकते, 1080p पे मक्खन एडिट कर सकते हो। बात करें गेमिंग बेंचमार्क की, तो गेमिंग बेंचमार्क्स ऑलरेडी अपलोडेड है, ये वीडियो यहाँ पे थंबनेल पे आ रहा होगा और यहाँ पे आई कार्ड में इस लैपटॉप की गेमिंग बेंचमार्क्स। फिर भी मैं यहाँ पे एक शॉट में बता देता हूँ। तो बात करें पहले गेम की, तो बैटलफील्ड 5 चलाया है मैंने 1080p अल्ट्रा सेटिंग्स पे, अराउंड 40-50 FPS आपको कंसिस्टेंटली मिलते रहते हैं अल्ट्रा सेटिंग्स पे। तो अगर आप हाई पे चलाओगे तो और ज़्यादा FPS मिलेंगे आपको, 60 परफेक्ट मिलेंगे, लेकिन 60Hz की स्क्रीन है तो उसके ऊपर जाने का कोई फ़ायदा नहीं। बात करते हैं सारे GPUs के छक्के छुड़ा देने वाले गेम का, जो कि है शेडो ऑफ द टॉम रेडर। इस गेम को चलाया है मैंने वेरी हाई सेटिंग्स पे 1080p रिजोल्यूशन पे, और एंटी एलियसिंग को मैंने रखा है SMAAT2X पे। जैसा कि आप देख सकते हैं 40-50 FPS 55 FPS तक आपको मिल जाते हैं, और ये बेंचमार्क है तो ये ज़्यादा इंटेंसिव है देन द एक्चुअल गेम प्ले। अगर आप हाई सेटिंग्स पे चलाओगे और एंटी एलियसिंग को TAA पे सेट करोगे तो आपको हमेशा 60 FPS के ऊपर मिलते रहेंगे, एंड यू विल एंजॉय दिस गेम, खासकर जब ब्यूटीफुल लारा क्रॉफ्ट इज देयर। अगला गेम बहुत ही पुराना है, कॉल ऑफ ड्यूटी घोस्ट, जिसको मैंने चलाया है 1080p रिजोल्यूशन पे, हाईएस्ट सेटिंग्स मैक्स आउट सेटिंग्स करके, और इसमें हमेशा आपको 100+ FPS आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि बहुत ही पुराना गेम है। तो इससे ये बात भी पता चलती है कि पुराने गेम अगर आप चलाओगे तो उस पे हाई रिफ्रेश रेट एक्सपीरियंस होएगा आपका, लेकिन आपकी स्क्रीन ही 60Hz की है। अब नेक्स्ट गेम, जो आखिरी गेम है, वो है COD वर्ल्ड वॉर 2, जिसको मैंने चलाया है 1080p हाई सेटिंग्स पे। अगर आप और भी गेम्स के बेंचमार्क्स देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा बेंचमार्क का, वहां से जाके देख सकते हैं। बात करें FPS की, तो अनफॉर्चुनेटली 60 FPS पे लॉक हुआ था इस गेम में, और कभी कभार फ्रेम ड्रॉप्स आपको देखने को मिल जाते हैं, 30 FPS के भी नीचे गिर जाता है कभी कभार, बहुत स्टटर आपको देखने मिलता है इस गेम में। और एक बात पे मैं ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ आप लोगों का, कि रैम यूटिलाइजेशन देखो, दिस गेम इज ऑलमोस्ट यूजिंग फ्रीकिंग 11.5 GB ऑफ रैम। तो इसीलिए बोलता हूँ कि अपग्रेड कर लेना 8GB रैम की स्टिक्स और लगा लेना, टोटल 16GB डुअल चैनल में चलने लगेगा आपका रैम, उसका भी वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और रैम का भी बेस्ट बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लेकिन गेम्स में आपको 60 FPS तभी मिलेगा जब आप चार्जर कनेक्ट करके रखोगे ऑन करके इस लैपटॉप का, नहीं तो 30 FPS पे ड्रॉप हो जाता है ऑटोमेटिकली, क्योंकि NVIDIA कंट्रोल पैनल में 30 FPS ऑन बैटरी सेट किया हुआ है, ताकि बैटरी कंजर्व किया जा सके। तो अगर आप गेमिंग कर रहे हो तो चार्जर लगा के गेमिंग करना, तभी 60 FPS मिलेंगे आपको। और गेमिंग में अगर आप कैजुअल गेमिंग करते हो तो आसानी से आपको 50-60 FPS ऑन मीडियम टू हाई सेटिंग्स, डिपेंडिंग ऑन द गेम। अगर आप जैसे गॉड ऑफ वॉर जो रिसेंट टाइटल है 2022 का, वो खेलने जाओगे तो मीडियम सेटिंग्स पे भी आपको 40-50 FPS मिलेंगे। लेकिन अगर आप शेडो ऑफ द टॉम रेडर जैसा गेम खेलने जाते हो जो कि 3-4 साल पुराना है, तो आपको हाई सेटिंग्स पे भी 60+ FPS मिल जाएंगे। तो ओवरऑल अगर आप कॉम्पिटिटिवली गेमिंग नहीं करते हो इस लैपटॉप पे, तो आप 60Hz में आसानी से स्मूथ गेम प्ले खेल सकते हो। लेकिन अगर आप कॉम्पिटिटिव गेमिंग करते हो, जैसे वैलोरेंट हो गया आपका, CS:GO हो गया, जिसमें हाई रिफ्रेश रेट मॉनिटर्स की ज़रूरत पड़ती है, स्क्रीन्स की ज़रूरत पड़ती है, तो मैं आपको बोलूँगा दूसरे लैपटॉप्स देखने के लिए जिसमें 144Hz या 120Hz रिफ्रेश रेट की स्क्रीन आती है। ओवरऑल कैजुअल गेमिंग के लिए मोर देन इनफ है ये लैपटॉप। तो बात करें कंक्लूजन की, तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, किनको ये लैपटॉप लेना चाहिए। तो आप एंट्री लेवल गेमिंग अगर करना चाहते हो कैजुअली, साथ में 1080p पे वीडियो एडिट करना चाहते हो, RGB का शौक है आपको, RGB कीबोर्ड चाहिए अगर आपको बजट में, अगर आपको लैपटॉप में RGB चाहिए तो इसमें RGB कीबोर्ड भी आता है बजट में,
ओवरऑल गेमिंग लुक वाला लैपटॉप चाहिए, SSD और हार्ड ड्राइव का कॉम्बिनेशन चाहिए ताकि स्नैपीनेस भी बनी रहे और मास स्टोरेज के लिए भी जगह हो, कॉलेज वर्क के लिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए और साथ में वर्क फ्रॉम होम के लिए। अगर ओवरऑल ऑलराउंड लैपटॉप ढूंढ रहे हो जिसमें सारे काम हो जाए, प्रोडक्टिविटी टास्क भी, एडिटिंग भी, गेमिंग भी, तो आप इस लैपटॉप को देख सकते हो। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। बात करें इस लैपटॉप की प्राइसिंग की तो अराउंड 55,000 के अंडर ही मिल जाएगा आपको 4600H वाला मॉडल। अगर आप 5600H वाला मॉडल लेने जाते हो जो कि लेटेस्ट है राइजन के लाइनअप में, तो आपको 7-8 हजार महंगा मिलेगा। और डिफरेंस क्या है उसमें कि CPU बस आपको लेटेस्ट जनरेशन का मिलता है। अगर आप नॉर्मल काम करने वाले हो जो कि मैंने बताया, आप ज्यादा हैवी वीडियो एडिटिंग नहीं करने वाले या कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं चलाने वाले जिसमें बहुत ही CPU इंटेंसिव टास्क होता हो, तो मैं आपको बोलूंगा 4600H वाला ही आप ले लो। 7-8 हजार रुपए आपके बच भी जाएंगे और उसमें से आप 3000 रुपीज इन्वेस्ट करना एक और 8GB की रैम की स्टिक लेने में और अपग्रेड कर लेना टू 16GB डुअल चैनल में। तब आप मैक्सिमम परफॉर्मेंस निकलवा पाओगे इस लैपटॉप से क्योंकि आपका रैम डुअल चैनल में चलेगा। ओवरऑल 55,000 के अंदर आज भी ये ऑलराउंड लैपटॉप है। सारी चीजें आप इसके ऊपर कर सकते हो जो मैंने बताया, बजट में रहते हुए। तो अगर आप इस लैपटॉप को लेने में इंटरेस्टेड हो तो नीचे बेस्ट बाय लिंक दिया हुआ होगा, वहां से जाके बाय कर सकते हो, चैनल को भी थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। और अगर मेरे दूसरे चैनल को चेकआउट नहीं किया है जो कि है फायर गेमिंग, जहां पे मैं गेमिंग करता हूं, तो उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। अगर वीडियोस अच्छे लगे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इस चैनल को भी चेकआउट कर सकते हैं जो कि है PC किंग्स, जहां पे मैं PC की दुनिया से रिलेटेड बातें बताते रहता हूं, लेटेस्ट न्यूज इंटेल, एनवीडिया और AMD के बारे में, ग्राफिक्स कार्ड, CPUs, इन सब के बारे में। तो इस चैनल को भी चेकआउट कर सकते हैं। अगर वीडियोस अच्छे लगते हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलूंगा ऐसे ही धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा। Okay.